हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल के बारे में। तो नंबर 10 पर छोटी मैच का नाम है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 13 मैच खेले और 4 जीते और 9 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 8 अंकों के साथ 10वें स्थान पर। नंबर 9 पर जो टीम आती है उसका नाम है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने 13 मैच खेले और 5 जीते और 8 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 10 अंकों के साथ 9वें स्थान पर। नंबर 8 पर जो टीम आती है उसका नाम है जीटी। जीटी ने 14 मैच खेले और 5 जीते और 7 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 12 अंकों के साथ 8वें स्थान पर। नंबर 7 पर जो टीम आती है उसका नाम है एलएसजी। एलएसजी ने 13 मैच खेले और 6 जीते और 7 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 12 अंकों के साथ 7वें स्थान पर। नंबर 6 पर जो टीम आती है उसका नाम है आरसीबी। आरसीबी ने 13 मैच खेले और 6 जीते और 7 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 12 अंकों के साथ 6वें स्थान पर। नंबर 5 पर जो टीम आती है उसका नाम है डीसी। डीसी ने 14 मैच खेले और 7 जीते और 7 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 14 अंकों के साथ 5वें स्थान पर। नंबर 4 पर जो टीम आती है उसका नाम है सीएसके। सीएसके ने 13 मैच खेले और 7 जीते और 6 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 14 अंकों के साथ 4वें स्थान पर। नंबर 3 पर जो टीम आती है उसका नाम है एसआरएच। एसआरएच ने 13 मैच खेले और 7 जीते और 5 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 15 अंकों के साथ 3रे स्थान पर। नंबर 2 पर जो टीम आती है उसका नाम है आरआर। आरआर ने 13 मैच खेले और 8 जीते और 5 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 16 अंकों के साथ 2रे स्थान पर। नंबर 1 पर जो टीम आती है उसका नाम है केकेआर। केकेआर ने 13 मैच खेले और 9 जीते और 3 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 19 अंकों के साथ पहले स्थान पर। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।